गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार का फैसला सामने आ चुका है और उसकी कॉपी भी जारी की जा चुकी है। इसमें जज ने कहा है कि जाफरी ने भीड़ पर खुद फायरिंग की थी, उसके बाद हिंसा भड़की थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जाफरी ने खुद पहले फायरिंग करना शुरू की थी, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में शुक्रवार गुजरात की विशेष अदालत ने 24 दोषियों को सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सबूतों के मुताबिक जाफरी के गोली चलाने से भीड़ में शामिल कुछ लोगों की मौत हो गई थी, लिहाजा लोग भड़क गए थे, इसके बाद भीड़ ने सोसाइटी पर हमला किया था। विशेष अदालत के जज देसाई ने कहा कि ट्रायल के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों से पता चल रहा है कि एहसान जाफरी ने गुलबर्ग सोसाइटी की कई जगहों पर गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से भीड़ में शामिल लोगों की मौत हो गई थी और उन्होंने इसके बाद पथराव शुरू किया था और भीड़ ने उसके बाद ही गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया था और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उनका किसी की जान लेने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अदालत ने इस नरसंहार को सभ्य समाज के इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया है। सभी दोषियों के लिए मौत की सजा ठुकराते हुए अदालत ने कहा है कि अगर राज्य छूट देने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है तो वो 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा उनकी मौत तक रहेगी। अदालत ने कम गंभीर अपराधों के लिए 13 दोषियों में से एक को 10 साल कैद की सजा और 12 सभी को 7 साल की कैद सुनाई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें खबर स्टेशन।